हेलो माय फ्रेंड्स, माय ऑल व्यूअर्स एज वेल एज ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ यूट्यूब, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक्चुअली ये वीडियो स्टूडेंट का डिमांड था, बहुत दिनों से उनका एक था कि सर आप एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हम लोग को हमारे एजुकेशन में फ़ायदा। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एग्जाम। एग्जाम से सबको डर लगता है, तो आज इस टॉपिक में हम ये देखेंगे एग्जाम से डरना नहीं है बल्कि एग्जाम को हमको डरवाना है। आज मैं आपको ये कहने नहीं आया हूँ कि एग्जाम कैसे दिया जाता है, किस तरह दिया जाता है, कौन सा प्रश्न पहले लिखे, हैंडराइटिंग आपका कैसा होना चाहिए एटसेट्रा। ये आपको बचपन से ही आपके टीचर आपको सिखलाते आए हैं। आज मैं इस टॉपिक पर ये इसको नहीं करूँगा। एग्जाम इस बात पर डिपेंड्स करता है कि आप इसे किस रूप में लेते हैं, कैसे लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ यह आपके ऊपर कितना हावी है। कुछ लोग तो इतने सीरियस हो जाते हैं एग्जाम को लेकर जो लगता है ये जीवन मरण का ही सवाल हो गया। एग्जाम है नहीं हो कोई बहुत बड़ा हवा हो गया। एग्जाम उनके ऊपर इस ऐसे प्रेशर के रूप में लेता है जो उनका मन मस्तिष्क एकदम डाइवर्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो एग्जाम को आप एक सीरियसली मत लीजिए, लेकिन इतना भी सीरियस मत हो जाइए जो प्रेशर कुकर की तरह आपका दिमाग ही फट जाए। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्जाम अच्छे से जाना चाहिए, इसका विश्वास होना चाहिए। इसके लिए आप जीतोड़ मेहनत कीजिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। इसके कभी कभी कोई विद्यार्थी इतने सीरियस हो जाते हैं जे अगर घर में कोई गेस्ट आ गया, टीवी का साउंड आ गया, तो इतने इरिटेशन उनके अंदर, इतने फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं। पेरेंट्स ने कोई छोटा मोटा काम बोल दिया करने के लिए तो लगता है जे आसमान को भी सर पर उठा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ इतना प्रेशर, इतना तनाव, इतना गुस्सा, इतना इरिटेशन ये ठीक नहीं है। ये आपके हेल्थ के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपके मेमोरी के लिए, किसी के भी लिए ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लड़के ऐसे होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, बिंदास होते हैं, मस्त मौला होते हैं, हंसमुख होते हैं, वो अपने एग्जाम को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है जे आज मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आज आपको बहुत सारी छोटी मोटी बातों पर चर्चा करूँगा एग्जाम कैसे देना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो पहला पॉइंट है शांत दिमाग, पीस माइंड। बहुत सारे रिसर्चों से ये देखा गया है आप जितना ही शांत रहते हैं, शांत इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, तो आपका दिमाग 4 से 5 गुना बेहतर काम करता है और आपसे बहुत सारी कम गलतियां होती हैं। इसको एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने एग्जाम दिया होगा, एग्जाम हॉल के अंदर आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें याद नहीं होती है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल से हम बाहर आते हैं फटाक से हमारे दिमाग में वो सारी बातें आ जाती है। इसके पीछे का साइकोलॉजी बस एक ही है। एग्जाम हॉल के अंदर में हम प्रेशर में थे, स्ट्रेस में थे, मन मेरा आसान था, जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर आए ये सारी चीज़ों से हम फ्री हो गए। और एक रिसर्च ये भी बताता है, स्टडी ये भी बताता है, हम जितने अशांत रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, आपका मेमोरी उतना ही कमज़ोर होगा, मेमोरी उतना ही लॉस होगा। तो मेरा पहला सजेशन, सबसे स्ट्रांग सजेशन, आप इसको फॉलो कीजिए। आप अपने एग्जाम पीरियड भर अपने माइंड को कूल रखिए, शांत रखिए। दूसरा पॉइंट ये भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे विद्यार्थियों का, स्टूडेंट का ये शिकायत होता है जो सर एग्जाम में हॉल में हमें समय की कमी हो गई। हम लोग ये बखूबी जानते हैं एग्जाम एक तय सीमा के अंदर होता है, एग्जाम का एक समय होता है, उस समय के भीतर ही आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, सारे क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए, एक्यूरेसी को बढ़ाइए, ये दोनों एक ही शर्त पर बढ़ेगा जब आप जितना ही प्रैक्टिस करिएगा। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्जाम को ये और बेहतरीन बनाएगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेगुलर सेल्फ टेस्ट, यानी खुद का एग्जाम लेना। ये कैसे हो सकता है? आप ऐसा कीजिए, आप जो दिन भर पढ़ते हैं उसका एक क्वेश्चन बनाइए और शाम को आप अपने खुद से एग्जाम लीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 2-3 दिन के बाद, आप जो भी पढ़ रहे हैं 2-3 दिन के बाद उसका एक क्वेश्चन बनाइए, उसका एग्जाम लीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो वीकली कम से कम पक्का एक अपना एग्जाम लीजिए। क्वेश्चन पेपर उतना ही घंटे का होना चाहिए जो फाइनल एग्जाम में होता है। अगर 3 घंटे का होता है तो 3 घंटा एक क्वेश्चन बनाइए और उसको एक समराइज कीजिए, उसको मेमोरी में रखिए और खुद से बैठ कर लिखने का प्रयास कीजिए। सबसे सटीक समय मैं बताता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट किया है। रात को आप 12 से 3 का ले सकते हैं। अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है तो रात को 12 से 3 बैठिए। उस पीरियड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई साउंड नहीं होगा, कोई टीवी का नहीं होगा, अड़ोस पड़ोस का नहीं होगा, फैमिली का नहीं होगा, दरवाजे पर
खटर पटर कुछ भी नहीं होगा, बस ट्रेक ट्रेन कुछ का भी साउंड आपको प्रोड्यूस नहीं होगा, आपका दिमाग एकदम शांत रहेगा। और आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम 3 घंटे का दीजिए, जो टाइम बाउंड है उसी के अंदर ही आपको एग्जाम देना है। दूसरा इसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉपी चेक करने का। आप एग्जाम देने के लिए दे देते कॉपी कैसे चेक करेंगे, तो कॉपी चेक करने से आप रिलेटेड टीचर के पास जाइए, अगर आप उनके संपर्क में हैं तो सर थोड़ा मेरा कॉपी चेक कर दीजिए, इससे क्या होगा आपकी जो भी गलतियाँ होगी वो पता चल जाएगा। अगर ये भी पॉसिबल नहीं, अगर संपर्क में आप टीचर नहीं है तो आप किसी दोस्त को अपना कॉपी दीजिए, यार इसको देखो कहाँ कहाँ हमने गलती किया उसको। अगर ये भी पॉसिबल नहीं तो तीसरा खुद से कॉपी चेक कीजिए। और ये बार बार अगर आप खुद का अपना एग्जाम लेते हैं, बार बार आप अपनी गलतियों को देखते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां एडिट होते होते डिलीट होते होते आप एक लंबे समय के बाद, मैं दावे के साथ कह सकता हूं जे आप कुछ दिनों कुछ महीनों के बाद आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे जे एक टाइम बाउंड के अंदर आप एग्जाम हॉल में सारे प्रश्नों को सोल्व कर करेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। चौथा पॉइंट, एग्जाम से लगाओ, एग्जाम से दोस्ती, फ्रेंडशिप। आप हंसेंगे जो सर ये कौन सारी बात बता रहे हैं, ये तो अच्छा पॉसिबल ही नहीं है, एग्जाम से कहीं दोस्ती होता है? एग्जाम का नाम सुनते ही तो गुस्सा आता है, प्रेशर बढ़ता है, तनाव होता है, इरिटेशन होता है, क्या एग्जाम से दोस्ती किया जा सकता है? तो आइए इसके, मैंने ये जो पॉइंट बताया इसके पीछे का मोटो समझते हैं, मैंने क्या कहने का प्रयास कर रहा। अगर आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं, मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहता हूँ, आपको लाइफ में जो भी छोटा मोटा एग्जाम मिले उसको फेस कीजिए। कोई भी छोटा मोटा यूनिट टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, बाहर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप बार बार एग्जाम को दीजिए। इससे क्या फायदा होगा, आप पास करेंगे, फेलियर तो सेकेंडरी फैक्टर्स है, आपको इससे क्या होगा एग्जाम के प्रति लगाव होगा, एग्जाम से आप डरना बंद कर दीजिएगा, एग्जाम को फेस बार बार कीजिएगा, तो परिणाम क्या होगा जब बार बार का हैबिट्स आपके अंदर के डर को ख़त्म करेगा। जैसे आप किसी दोस्त से मिलते हैं, बार बार मिलते हैं तो उसे एक लगाव होता है, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। सिमिलरली आप एग्जाम को बार बार देते हैं, छोटा हो या बड़ा हो डजेंट मैटर, आप एग्जाम को बार बार दीजिए और आपके अंदर का ये जो डर है वो खत्म करेगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा, आप पीस माइंड से, रिलैक्स माइंड से, चिल माइंड से आप एग्जाम देंगे और आपका एग्जाम बेहतरीन होगा। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और एंड डिसिप्लिन। वी नो डैट रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ आवर लाइफ। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ जी आप कंटिन्यूअसली पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, डिसिप्लिन के साथ पढ़िए। अक्सर ये देखा गया है जो कुछ स्टूडेंट्स में किसी ने कुछ कह दिया, टीचर ने आज गाली कर दिया, पेरेंट्स ने भी कुछ सुना दिया, ऊपर से अड़ोस पड़ोस ने कोई ताना मार दिया, अरे एग्जाम आ रहा है, बड़ा घूम रहा है, तो उसके अंदर एक हीलियम गैस भर जाता है और वो फूल जाता है, उड़ने लगता है, और विदाउट प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकली ये प्रूव्ड है, वो लगेगा 15 घंटे पढ़ने, 18 घंटे पढ़ने, 20-20 घंटा पढ़ने, 3 दिन तक उसके अंदर जो हीलियम गैस तो भरा है, किसी ने कुछ कह दिया है, ईगो आ गया है, रिजल्ट क्या होगा, 3 दिन के बाद उसका हीलियम गैस खत्म हो जाएगा और वो फिर सो जाएगा। एक रिसर्च से ये पता चला है जो इंसान रेगुलर पढ़ता है, 8 से 10 घंटा ही पढ़ता है, 6 से 8 घंटा ही पढ़ता है, वह बाकी सबसे बेहतर है। आप रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यूअसली पढ़िए, और ये आपके ज़िंदगी को और बेहतर बना जाएगा। आप इरेगुलर कोई रूटीन मत बनाइए, आप 18 से 20 घंटा वाला जो रूटीन है ये आपके अंदर थकान भरेगा, निराशा लाएगा, आपके मन मस्ती को कमज़ोर करेगा, वीक करेगा, और आपके अंदर जो पढ़ने का जो एक भूख है उसको भी ख़त्म कर देगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेली रूटीन, एक टाइम टेबल। आप अपनी एक दिनचर्या का एक रूटीन बनाए एग्जाम पीरियड में, जैसे एग्जाम है उससे 3 महीने पहले से ये स्टार्ट किया जा सकता है, सुबह से शाम तक का एक रूटीन बनाए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करें। अब जैसे सुबह क्या होता है, सुबह माइंड फ्रेश होता है तो उस समय आप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को रख सकते हैं, उस समय पढ़िए। एक सजेशन है क्या, इस पीरियड भर आप जितना हो सके टीवी से, मोबाइल से, गेम से, चैटिंग से जितना दूर रह सकते हैं, कृपया दूर रहने का प्रयास करें। ये 2-3 महीने के बाद आपकी फिर जिंदगी आएगी, आप जितना जो भी करना हो मन का करना, लेकिन कृपया कर एक टाइम टेबल बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का प्रयास करें।